हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हमारा बेस्ट 1000 का पार्ट 6 है। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट अपने दोस्तों को बता दीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी पहले जो है हमें दोबारा से अपना ये लिंक दोबारा इवेंट बनाना पड़ा। एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, मुझे भी नहीं मिल रहा है इवेंट, तो देखता हूँ मैं। जस्ट ए मिनट अभी वेट करिए, क्योंकि ये जो है क्लास का जो इवेंट था वो नया बना है, तो अभी वेट कर लीजिए। सिर्फ हम 2-3 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे क्लास को। अपने दोस्तों को बता दीजिए अगर कोई है आपका चाहने वाला। क्योंकि कुछ YouTube सर्वर में दिक्कत आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा क्लास लेट होनी पड़ी। वेट कीजिए एक बार थोड़ा सा, मैं भी एक मिनट अपने यहाँ पे खोल लूँ। जस्ट ए सेकेंड। अभी 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा लाइव चेक कर रहे हैं हम कि चल भी पा रही है या नहीं चल पा रही प्रॉपर तरीके से। ओके सो आई थिंक देखो बच्चे जुड़ गए हैं शायद लाइव में। यस ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो क्लास अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन रहेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, और प्लस जो है अपने दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ ये थोड़ा सा अगेन मैंने आपको सुबह भी बताया था कि सर्वर की प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये चल रही है 2-4 दिन से चल रही है। तो थोड़ा बहुत कई बार ऐसे होता है कि इवेंट चेंज करने पड़ रहे हैं हमें इसी चीज़ के लिए। तो देखते हैं आज क्या क्लास है, क्या कैसे रहती है हमारी, कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं स्क्रीन के ऊपर। लगाइए सर आज पहला क्वेश्चन लगाइए। सो देखिए जी आज क्वेश्चन देखिए पहला स्क्रीन के ऊपर क्या है। एपरेंट मैग्नीट्यूड जो स्पष्ट परिमाण है वो इसमें से किससे संबंधित है। ब्राइटनेस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ ए स्टार, कलर ऑफ ए स्टार, लाइफ ऑफ ए स्टार, ये जो डिपेंड करता है ये ब्राइटनेस ऑफ द स्टार के ऊपर डिपेंड करता है। सो 251 का क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमारा 6th पार्ट चल रहा है, ये 251 का क्वेश्चन है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ द स्टार के ऊपर जो है आपका डिपेंड होता है, ठीक है। सो ब्राइटनेस ऑफ द स्टार के ऊपर डिपेंड होता है, एक तारे की चमक के ऊपर डिपेंड होता है। बाकी तारे की जो चमक होती है वो खुद की अपनी लाइट होती है, उसकी सेल्फ ल्यूमिनस लाइट होती है, तभी उसको स्टार बोला जाता है। स्टार हमेशा उनको बोला जाता है जिनकी अपनी लाइट होती है। और तारों के बीच में जो एनर्जी आती है वो किसके कारण आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ है आपकी, जैसे हाइड्रोजन है, क्योंकि स्टार किसके बने होते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बन जाता है आपका, हीलियम बन जाता है। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके कारण तारों के पास एनर्जी आती है, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर बनेगा। तो 201 का जो क्वेश्चन है, 251 का क्वेश्चन जो बनेगा ए ऑप्शन बनेगा, ब्राइटनेस ऑफ द स्टार, ब्राइटनेस ऑफ द स्टार, क्लियर। नेक्स्ट लगाइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द सडन बर्स्टिंग ऑफ ए साइकिल ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर साइकिल का जो ट्यूब होता है, साइकिल की जो ट्यूब होती है, तो उसमें अगर वो किसकी एग्जांपल है, देखिए अगर वो साइकिल का जो ट्यूब है, ठीक है, वो अगर सडन बर्स्ट हो जाता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसे में हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, 252 इज ए ऑप्शन, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां पे जो आपकी हीट होती है ना, हीट ना उसका लॉस हो, हीट नो लॉस नो गेन,
नो लॉस नो गेन, ये जो अगर बात होती है हीट की, ठीक है, तो इसमें आपका क्या आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस आता है। अब एक चीज़ देखिए, जब आपका जो साइकिल का जो मतलब ट्यूब होगा वो क्या होगा कि अगर हम हवा भरते जाते हैं या किसी कारणवश भी वो टूट जाता है, मतलब फट जाता है, तो इसमें इतना टाइम नहीं होता कि वो हीट आएगी हीट जाएगी, वो सडनली बर्स्ट हो जाता है। बट ध्यान रखना, वो बर्स्ट होगा तो जिसमें आपकी क्या होगी, हवा क्या होगी, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड का मतलब क्या होगा कि हवा उसके अंदर जो है भरती चली जाएगी, क्योंकि जब टायर फटता है ना तो एयर क्या होगी उसके अंदर, एक्सपैंड होगी। जब भी एयर एक्सपैंड होगी, जहां पे आपका हीट का नो लॉस होगा नो गेन होगा, वो हमेशा क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बना ए ऑप्शन। क्लियर, एडियाबेटिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज असर्टेन बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ, किसके द्वारा जो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह ये दिखा दिए जाते हैं, इसमें से कौन से जो पर्सन है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया। तो इसमें से जो ऑप्शन है 253 का, वो बना जी आपका सी ऑप्शन, डैट इज स्टर्न गर्लैक। ठीक है, स्टर्न गर्लैक जो है इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो है इसमें जो डी ऑप्शन है ना, डेविसन गर्मेर, ये जो है इसने क्या बताया था, जो डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ने बताया था आपका इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। ठीक है, अब वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पहली बार किसने बात करी थी, डी बर्जोलिस ने बात करी थी, इसने बात करी थी पहली बार, लेकिन इसको प्रूव किसने किया था, जो डी ऑप्शन में है, डेविसन जर्मर ने प्रूव किया था। और उसके बाद लिखा हुआ कैविंडिश जो है इसने क्या मेजर किया था, इसने मेजर किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी को मेजर किया था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसने मेजर करी थी आपकी, कैविंडिश ने। और उसके बाद लिखा हुआ है माइकलसन मॉर्ले, ये क्या बात बताता है कि हाँ, कि जितना भी स्पेस के अंदर जो मटेरियल है ना आपका, इंटरमीडिएटिंग मटेरियल जो आपका एक कैरियर होता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है, और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो बीच में लाइट आती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन बीच में क्या होता है, मिट्टी के कण है, जिसके कारण आपको हवा जो एयर है, जो लाइट है, उससे पता लगता है कि हाँ कुछ लाइट आ रही है। तो ये किसने बताया था, माइकलसन मॉर्ले ने बताया था। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बना जी सी ऑप्शन, दैट मींस स्टर्न गर्लैक ने आंसर ये जो है बताया था आपका स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लगाइए जी, द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब यहाँ से जो चीज़ जो है आगे, मैग्नेटिज्म जो है आगे चल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसमें जो है रेसिप्रोकल इसका क्या है, दैट इज़ कॉल्ड रिलक्टिविटी, इट्स 254 का क्या बन गया जी, ए ऑप्शन, रिलक्टिविटी। ठीक है, अगेन एक इसमें ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना, ये किसके बराबर होती है, हेनरी पर मीटर के बराबर होती है, यानी कि इसकी यूनिट क्या है, हेनरी पर मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है हेनरी पर मीटर उसके यूनिट होते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या है, रिलक्टिविटी। इट मीन्स ए ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट लगाइए, ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम, ब्लीचिंग पाउडर से अगर हम क्लोरीन गैस जो आगे निकाल दें, ठीक है, तो इससे क्या सब्सटेंस यहाँ पे बनता है। सो 255, पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, डेट इज CaOCl2, दिस इज कॉल्ड आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, और इसको आप कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब क्वेश्चन ये है कि इसको बनाना है, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जी अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH को किसके साथ मिला दें, क्लोरीन के साथ मिला दें, तो क्या बनेगा आपका CaOCl2 प्लस क्या बनेगा जी आपका H2O बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जी आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब क्वेश्चन ये है कि ये CaOH2 क्या है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं आप। क्लियर, और इसको और क्या कहते हैं हम, स्लेक्ड लाइम,
इसको और क्या कहते हैं, हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो इसीलिए जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा जी, आपका CaOH2, डेट मीन्स इट्स ए ड्राई स्लेक्ड लाइम। बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर, ड्राई स्लेक्ड लाइम आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट लगाइए, एक जो है वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल हुआ था हमारी, एक 2018 के अंदर एक न्यूज़ आई थी, लायंस गिर फॉरेस्ट। लायंस जो हैं, गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है आपका, गुजरात के अंदर, जहाँ पे आपके एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे एक वायरस रिस्पॉन्सिबल हुआ था, जहाँ पे उसने प्रॉब्लम करी थी गिर नेशनल पार्क के अंदर, जो आपके लायंस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इनमें से कौन सा वायरस था वो। तो वो ऑप्शन था हमारा 256 इज बी ऑप्शन, डेट मीन्स इट्स कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से जो है पार्कर सोलर प्रोब के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट पूछी है, गलत पूछा है। पहले तो आपको ध्यान से समझना है, सो पार्कर जो सोलर प्रोब है ये किसका मिशन है, नासा का मिशन है, और ये जो है ये किसके ऊपर स्टडी करने के लिए बात कर रहा है, सन के ऊपर, सन की लेयर कोरोना को स्टडी करने के लिए बात कर रहा है। ऐसा ही मिशन हमने भी भेजा है जिसका नाम क्या है, इंडिया भेज रही है आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वो इंडिया भेज रही है सन की स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो पहला देखिए, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जो आउटर कोरोना ऑफ द सन को देखने के लिए जाएगा, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि एनर्जी के प्रवाह को, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह को पता लगाएगा, और आपकी जो जितनी भी सोलर विंड्स आती हैं, सोलर हीट कोरोना से निकल रही है उसको स्टडी करेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। और फोर्थ है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द Delta 6 हैवी लॉन्च व्हीकल, ये नहीं है, ये लॉन्च किया गया था आपका, फोर्थ ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो है Delta 4 से जो है लॉन्च किया गया था, Delta 4, और ये कहां से किया गया, जो किया जाएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा में है ये, क्लियर, ये ध्यान रखना है। सो Delta 4, ये Delta 4 से लॉन्च किया गया था, नॉट द Delta 6, तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। और इंडिया का मिशन ध्यान रखना है आदित्य L1 है, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, इलेक्शन कमीशन द्वारा जब हमारे इलेक्शन हुए थे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था जिसमें आपकी वायलेशन ना हो इलेक्शंस के अंदर, तो उन्होंने एक ऐप बनाई थी, इनमें से कौन सी ऐप थी वो, ठीक है, तो वो थी जी आपका 258 का आंसर है, इट्स सी ऑप्शन, डेट इज सी विजिल, डेट इज फॉर द विजिलेंट सिटीजन एंड विजिलेंट सिटीजन के लिए, ताकि वो प्रोएक्टिव हो और जो रिस्पॉन्सिबल रोल जो है करें प्रॉपर तरीके से इलेक्शन के अंदर, क्लियर। इलेक्शन कमीशन के लिए आपको पता है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, 324 है, 324 नंबर आर्टिकल है, 326 में लिखा गया है आपका राइट टू वोट, जिसमें आपका 18 साल का जो पर्सन है वो वोट कर सकता है, और हमारे मिनिमम एज कितनी चाहिए, 18, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं वोट देने के लिए, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लगाइए, सो 259 देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें अयप्पा टेम्पल, जो सबरीमाला टेम्पल है जहाँ पे विमेन की एंट्री अलाउ नहीं थी, तो अब जो है कर दी गई थी, तो केरला स्टेट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो एज ग्रुप कौन सा था, कि किसको एंट्री मिलेगी, कौन सी एज ग्रुप के लोगों को एंट्री यहाँ पे मिलेगी। सो 259 क्वेश्चन है जी आपका ए ऑप्शन, जाने के 10 से 50 साल की जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं या विमेन हैं, उनको एंट्री यहाँ पे मिलेगी। और ये जो है पांच का एक बेंच था जिसमें ये बात करी गई थी, और इस पांच ग्रुप के बेंच में इंदु मल्होत्रा नाम की एक लेडी भी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदु मल्होत्रा यहाँ पे एक विमेन जज थी पांच लोगों में से, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए जी, जाइमैक्स 18 जो है इसके बारे में आप बताइए क्या होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये जो है एक आपकी बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के बीच में होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला। दूसरा जो है 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2018 को लॉन्च ये करी गई थी, बिल्कुल सही है। अब कोई क्वेश्चन है ना बीच में, काफ़ी लोग आप ऐसे समझेंगे कि सर ये पिछले साल के क्वेश्चन क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे होता है ना एक्सरसाइजेस के ऊपर, कुछ जो चीज़ें होती हैं लास्ट ईयर की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वो इस साल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, वही क्वेश्चन
लिए हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं क्वेश्चन दिया कि जो इस साल आ सकते हैं वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इट वॉज हेल्ड एट चेन्नई, नहीं। तो थर्ड ऑप्शन देखिए जी 260 के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है, चेन्नई के अंदर बीच में नहीं हुई थी, तो ये हुई कहां पे थी, चेन्नई में ना होके ये हुई थी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये हुई थी, ठीक है, विशाखापट्टनम में। अब दूसरा जो ऑप्शन है फोर्थ, देखिए कि इसमें जो है आपका इंडियन की साइड से कमांड किसके पास थी, दिनेश के त्रिपाठी के पास थी, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन में जो थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है, बाकी पहली दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या बना, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर 1, 2, 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट लगाइए, इवन क्वेश्चन हटाओ। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे आप बताएंगे मुझे, एक डांस फॉर्म्स हैं तो ये फटाफट आंसर टिक कर दीजिए जिसको आते हैं। उड़ीसी डांस फेमस है कहाँ का, नेक्स्ट है भांगड़ा, ये तो सबको पता होंगे वैसे तो, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किसका है, और गढ़वाली डांस फॉर्म। ये डांस फॉर्म फटाफट बता दीजिए कहाँ की फेमस डांस फॉर्म है, जल्दी से फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए क्या है इसके इसका जो आंसर है, वैसे तो सबको पता ही होगा। तो इसमें आंसर देखते हैं जी, पहले है उड़ीसी, उड़ीसी डांस किसका फेमस है, उड़ीसा का। भांगड़ा कहाँ का है जी, पंजाब का, ठीक है, जो है पंजाब का है। उसके बाद जो है डांस फॉर्म दूसरी जो थर्ड फॉर्म है आपकी भरतनाट्यम, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। गढ़वाली डांस कहाँ का है, उत्तराखंड का, ठीक है। ये चार डांस फॉर्म आपको लगानी थी। नेक्स्ट लगाइए क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, राज्यपाल बनने के लिए ये जो एज कितनी चाहिए होती है, 261 जो है इसका जो आंसर है 35 है, 35 साल मिनिमम एज चाहिए होती है, और प्लस आपके बाकी तो सारे पता ही है आंसर कि हाँ जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्लस आपको एक चीज़ पता नहीं, ना ही ये पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। तो 35 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आगरा फोर्ट जो है ये किसने बनवाया था, 262 आगरा फोर्ट किसने बनवाया था, ये बनाया था ग्रेट अकबर ने, ग्रेट अकबर ने बनवाया था, और आगरा के अंदर है, आगरा के अंदर जो है आगरा के अंदर जो पर्सन है शाहजहां, शाहजहां ने भी क्या बनवाया था जी, ताजमहल बनवाया था, और प्लस जो गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर है वो शाहजहां की एज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर इज अकबर। नेक्स्ट, सो 263 आईएनसी ने जो है, आईएनसी के लखनऊ सेशन हुआ है जी, लखनऊ पैक्ट जिसे आप कहते हैं, इस पैक्ट के आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इसमें आईएनसी के प्रेसिडेंट थे ए सी मजूमदार, डेट मीन्स इट्स अंबिका चरण मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट के में बहुत सारे क्वेश्चन और आते हैं, 1916 में साइन हुआ था, अब ध्यान से समझना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हुई थी, एक तो लखनऊ पैक्ट में क्या था कि जो आपकी आईएनसी है और इंडियन मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, तो ये दोनों पहली बार दोबारा से इकट्ठे आए, क्लियर। दूसरा क्या है, जो आपके मॉडरेट्स थे जाने के नरम दल और गरम दल में भी विभाजन हो रखा था, वो भी यहाँ पे इकट्ठे देखने को आपको मिल जाते हैं। आपको पता होगा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हुए कहाँ पे थे, 1907 में सूरत सेशन में डिवाइड हुए थे, और मुस्लिम लीग कब बन गई थी, उसके बाद ये बनी थी 1906 के अंदर, और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग को भी क्या मिल गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये कब बात हुई थी आपके 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बना जी, आपका लखनऊ पैक्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां से एक निकलता है कि इसके अंदर 1916 में लखनऊ पैक्ट में जो है बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व थे, वो इन्वॉल्व पर्सन कौन से थे, एक तो 1916 में जो है होम रूल लीग चल रही थी, 1916 में होम रूल लीग चल रही थी, होम रूल लीग में दो लोग थे, एक थे तिलक, एक थी एनी बेसेंट,
ठीक है। तो एनी बेसेंट जो है, जो आयरलैंड से आई थी, एनी बेसेंट ने भी जो है लखनऊ पैक्ट के अंदर बहुत सारे लोग जो है लेके आई थी, इसके इनके एफर्ट्स के कारण ये लोग जो है मिल गए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है आपके मिल गए थे, ठीक है। और प्लस यही तभी है कि ये जब इन्होंने इतना एफर्ट लगाया था इन चीज को करने के लिए, तभी एनी बेसेंट को INC के सेशन में जो है प्रेसिडेंटशिप दे दी थी 1917 में, जो कलकत्ता का सेशन था। और यहाँ पे दूसरा पर्सन जो इन्वॉल्व होता है, जो मुस्लिम साइड से जो इन्वॉल्व होता है, वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का भी बहुत बड़ा हाथ है कि इसमें लखनऊ पैक्ट के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना को और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं इनको, बोलते हैं अम्बेसडर, अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मतलब लखनऊ पैक्ट के लिए बोला जाता है। ये किसने बोला था? ये सरोजनी नायडू ने बोला था। अब सरोजनी नायडू कौन है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जाने के भारत कोकिला जिसे आप कहते हैं, और पहली इंडियन लेडी है जिसने 1925 में कानपुर सेशन के अंदर जो INC की प्रेसिडेंटशिप जो है इनके पास थी। क्लियर? तो इतने सारे जो फैक्ट है ना, ये जो है इतने ऐसे गोल गोल घूमे हैं हम, ठीक है। ये सारे फैक्ट इतने पता होने चाहिए, और जो हमारा अभी स्मार्ट कोर्स लॉन्च होने वाला ना, उसमें भी हमने ऐसे ही डिटेल में डिस्कस किया है प्रॉपर तरीके से। आपको कहीं से भी कहानी जो है इधर उधर से आपको जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लगाइए जी, अगला क्वेश्चन आपने शायद अगला लगा दिया है, 264 लगाना है, 264, हाँ 264। सो अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, अंडर विच ट्री बुधा गॉट इनलाइटनमेंट। किस ट्री के नीचे जो है इन्होंने इनलाइटनमेंट ली थी, जाने के। इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपकी सुप्रीम नॉलेज मिल जाती है। अब ये कहाँ पे मिली थी? बोध गया में, जहाँ जो कहाँ पे है? बिहार में। अब कौन सा ट्री के नीचे जो है इन्होंने, कौन से ट्री के नीचे जो है इन्होंने इनलाइटनमेंट ली थी? तो वो था जी आपका बोधि ट्री, जिसे आप कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां से समझिए कि बोधि ट्री तो ऑप्शन में नहीं आएगा, आएगा कौन सा? पीपल। सो पीपल ट्री था, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जब पीपल ट्री था, तो पीपल ट्री अगर ऑप्शन में ना आया तो इसका साइंटिफिक नेम आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? इट्स फाइकस रेलिजियोसा। फाइकस रेलिजियोसा याद रखना है नाम आपको, फाइकस रेलिजियोसा इज द ओरिजिनल साइंटिफिक नेम ऑफ द जो है पीपल ट्री। क्लियर? और यहां से ही आपको मैं, यहां जो फाइकस वर्ड लिखा है ना, इसके दिमाग में मेरे दो क्वेश्चन और निकलते हैं। एक है आपका टाइगर, सॉरी, एक जो है आपका पेड़ है बेनिन ट्री, जिसे आप क्या कहते हैं? बरगद का पेड़। अब बरगद का पेड़ जो है आपका राष्ट्रीय ट्री है, नेशनल ट्री है, इसका जो नेम है वो क्या है? फाइकस बेंगालनेसिस। क्लियर? एक दिमाग में मेरे और क्या निकलता है? रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट का नाम भी क्या है? फाइकस इलास्टिका, क्योंकि इलास्टिक होता है, इलास्टिका। रबड़ को स्ट्रांग करने के लिए क्या डालते हैं उसके अंदर? सल्फर, जिसे आप क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन ऑफ द रबड़, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा जी इसका? फाइकस रेलिजियोसा पीपल ट्री, बोध गया, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए जी अगला, 265। तो अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, ट्रीटियम जो है ये किसका आइसोटोप है? किसका आइसोटोप है ट्रीटियम? आपने पढ़ा होगा आइसोटोप क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप जैसे आपको ऐसे होता ना, आपने देखा होगा, और मैंने आपको समझाया है कि जो नीचे वाला होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और परमाणु संख्या जिसे आप कहते हैं, ऊपर वाला जो है आपका मास नंबर होता है। अब सब में क्या है? वन वन सेम है, तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका? सेम हो गया, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर क्या हो गया जी आपका? डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जब सेम होगा और मास नंबर आपका डिफरेंट होगा, तो क्या होते हैं? आइसोटोप। तो यहां पे जो ऑप्शन है ना ट्रीटियम, तो वो ये है, थर्ड वाला क्या है? ट्रीटियम। अब जो फर्स्ट वाला है, वन वन एच वन वाला जो है, ये है प्रोटियम, ये जो है ये है ड्यूटीरियम। आपने पढ़ा होगा हैवी वाटर, हैवी वाटर पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, वो क्या होता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, दैट इज D2O, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं जी स्क्रीन के, 266 लगाइए। इनमें से जो है आपका
कौन सा मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होता है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्शन भी काम कर रहे हैं, जाने करंट को भी पास करते हैं और करंट को पास होने भी नहीं दे रहे, इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं, तो मतलब बीच बिचाले वाला हिस्सा जो है काम आता है। तो इसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, ठीक है, जर्मेनियम भी यूज़ कर लेते हैं, गैलियम यूज़ कर लेते हैं, सिलिकॉन यूज़ कर लेते हैं, सिलिकॉन यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये सारे आंसर आ जाएंगे, आर्सेनिक भी होता है, क्लियर, ये सारे आंसर आपके सेमीकंडक्टर के हैं। नेक्स्ट लगाइए 67। तो 267 क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉयल वाटर टेंशन। सॉयल वाटर टेंशन के लिए इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ किया जाता है, वो होता है टेंशनोमीटर, सरफेस टेंशन, टेंशनोमीटर, क्लियर, यही ध्यान रखना है। 267 इज टेंशनोमीटर। नेक्स्ट, किस ऑर्गन के ऊपर जो होती है वो आउटग्रोथ होती है विलाय की, विलाय के, जिसे आप सिंगुलर विलस कहते हैं। 268 में देखिए जी, ये क्या होता है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ऐसे ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं, क्लियर, विलाय बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को आपका इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जी, मैक्सिमम खाने की एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्लियर, सबसे ज़्यादा खाना अवशोषित होता है आपके विलाय के कारण, और प्लस यहाँ पे आपकी फाइनल डाइजेशन भी होती है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, फाइनल डाइजेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चैरिएटर ऑफ बुद्धा कौन थे, यानी कि बुद्धा का सारथी कौन था जब वो जो है सच की तलाश करने, एनलाइटनमेंट लेने, यानी कि अपने बाहर यहाँ से आई मीन टू से घर से निकल गए थे, ठीक है। तो सिद्धार्थ यानी कि बुद्धा ये किसके साथ गए थे, चन्ना के साथ। इनके चैरिएटर का नाम क्या था, चन्ना, और इनके घोड़े का नाम भी पूछ लिया जाता है, हॉर्स का नाम क्या था, हॉर्स का नाम था कंथक, कंथक नाम था, हॉर्स का क्या नाम था, कंथक, ठीक है। और जब इनको एनलाइटनमेंट मिलने वाली थी तो वहाँ पे सुजाता नाम की लड़की ने, सुजाता, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, सुजाता नाम की लड़की ने जो है बोधगया में जब इनको एनलाइटनमेंट मिली थी तो राइस बाउल खाने के लिए दिया था, और उसमें दूध मिक्सचर था, खीर भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जो है ऑफर भी किया गया था, और इनका जो वहाँ पे जब पैर फिसला था जहाँ पे ये इनलाइटनमेंट करने के लिए बैठे थे, तो वहाँ से स्नान करने के लिए भी गए थे, तो वहाँ से ये पैर फिसल के गिर भी गए थे, तो रिवर का नाम भी पूछ लिया जाता है, निरंजन रिवर उसका नाम था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट लगाइए, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये किस रूलर के टाइम पे आई थी, ये किस रूलर के टाइम पे आई थी। जूनागढ़ कहाँ पे है जी, गुजरात के अंदर, ठीक है। और जूनागढ़ से पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है आपको कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 3 स्टेटों ने हमारे इंडिया के साथ नहीं जुड़े थे, वो कौन कौन सी स्टेट थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसकी है, ये है जी रुद्र दमन वन की, रुद्रा दमन वन की ये इंस्क्रिप्शन है, रुद्रा दमन वन की, क्लियर। और प्लस ये गुजरात के अंदर है, और ये जो है आपकी संस्कृत, संस्कृत क्या है, संस्कृत जो है इंस्क्रिप्शन है, क्लियर। और यहाँ पे बहुत सारे जो नाम, और रुद्र दमन का नाम आता है, ठीक है, स्कंद गुप्त का नाम आता है, स्कंद गुप्ता के नाम भी यहाँ पे आता है कि स्कंद गुप्त ने यहाँ पे जो डैम है वो डैम, इस रिवर के ऊपर डैम भी बना हुआ, डैम को रिपेयर भी करवाया था, डैम रिपेयर के लिए किसका नाम आता है जी, आपके स्कंद गुप्त का यहाँ पे नाम आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्य गुप्ता, पुष्य गुप्ता, ठीक है, उसका वो कहते हैं कि इसने जो है डैम को बनवाया था, डैम को बनवाया पुष्य गुप्ता ने है, और रिपेयर किसने करवाया है, स्कंदगुप्त ने, और किसके टाइम पे बनी है, रुद्र दमन वन के ऊपर, क्लियर। और यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे फोर्स लेबर भी करवाई नहीं गई थी, जबरदस्ती जिसे कहते ना कि हाँ राजा होता कि लेबर का काम करो, यहाँ पे फोर्स लेबर नहीं करवाई गई थी, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्र दमन वन, ठीक है। तो रुकिए अभी, तो अभी जो है ये ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन इससे जुड़ जाते हैं, क्लियर। और
ये जो बच्चे बीच बीच में बोली जा रहे हैं ना कि क्लास कितने बजे होता है, ये सुबह ही क्लास होती है, ये आज ही क्लास इतने बजे चली है हमारी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं, तो वो क्या नाम है अपना, वो आई थिंक ये जो संतु कुमार है ना, इनको मैं पर्सनल मैसेज करना चाहिए इनको कि कितने बजे क्लास होती है। तो बार बार यही मैसेज आ रहा है इनका, कितने बजे क्लास होती है, सुबह क्लास होती है, ये आज क्लास लेट हुई थी, रीज़न बीइंग क्योंकि हमारा जो है ये यूट्यूब सर्वर प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, अब यही क्या करके जाएंगे, जाते जाते देख के भी जाएंगे और डिसलाइक भी मार के जाएंगे, ठीक है। तो ये चलो ध्यान रखना, ठीक है। तो बीच बीच में मैं ऐसी बात कर देता हूँ तो कई बार बुरी मत समझा करो, क्योंकि मजाक अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं जी, हम क्या करते हैं, अभी रुकिए जी, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। अब कुछ आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये आपको याद रखना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले तो आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो आते हैं, और अमित शाह जो हैं अभी होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जी, ITBP एक फोर्स ये है, आपने मुझे बताना है ये कब बनी, कैसे बनी, ठीक है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये बताइए मुझे। CISF बताइए, अगर आपको किसी को पता है, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, CISF बताना है, और असम राइफल्स बताना है आपको मुझे, कि ये क्वेश्चन बताएंगे अगर आपको आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, डिसलाइक किसी को पाप नहीं लगेगा, डिसलाइक वाले को कोई पाप नहीं लगेगा, और बस ये है, पढ़ते रहिए, मजाक अच्छा है, ठीक है, बीच बीच में बात करते रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा बात भी बीच में कर लिया करो, क्लास में 5 मिनट बात करके जाऊंगा मैं, ठीक है, और वहीं पे बात हर रोज़ शाम को जो जब भी हमारी क्लास होगी एंड में 5 मिनट में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं जी क्या है, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है ये, ITBP क्या है, इंडो तिब्बतन जो है बॉर्डर फोर्स है, ये कब बनी थी आपकी, 1962 में बनी थी, हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, और ये फोर्स तब बनी थी जब इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, पहली बार इंडिया चाइना की वॉर हुई थी आपका, अगेन 1962 में तब बनाई गई थी ये वाली फोर्स। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये हुआ था 1984 में, आपको पता है NSG जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हरिमंदर साहिब गोल्डन टेंपल, ऑपरेशन ब्लू स्टार ये हरिमंदर साहिब अगेन वहाँ पे गोलियाँ वगैरह चली थी, ठीक है। तो उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो है ये बात करी गई थी ताकि मिलिटेंसी को जो है ख़त्म किया जा सके। CISF जो है 1969 में बनी थी, ये क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं उनको बचाने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाइक जैसे मेट्रोज हैं, मेट्रो में जो गार्ड्स खड़े होते हैं ना वो क्या होते हैं, CISF एजेंट्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स CISF वाले होते हैं। असम राइफल जो है ना ये सबसे पुरानी 1835 में बनी, द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, अंग्रेजों के टाइम पे बनी हुई है, और ये काम क्या करती है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनको बचाती है और उनके काम करती है, ठीक है। तो अगर उसने पूछा कि ब्रिटिशर्स का नाम भी पूछ लेते हैं, ब्रिटिशर 1835 में किस ब्रिटिशर के टाइम पे बनी थी, दैट नेम इज कैकर लेवाई, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना जी, इट्स चाचर और कैकर, चाचर ही लग रहा है, चाचर लेवी, तो आंसर देख लीजिए क्या है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट लगाइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 का अवार्ड मिला था, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनको बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है ये 2018 में मिला था, और लेकिन ये जो अवार्ड है अभी तक 3 भारतीयों को मिला है, ठीक है, जिसमें एक नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, 2 हमारे इंडियन और भी हैं, जैसे एक है तुलसी तांती और अफरोज आलम, ठीक है, ये 2 लोगों को जो है अभी 3 लोगों को मिला है। तो इसमें जो स्टेटमेंट देखते हैं, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर के साथ जो है इन्होंने अवार्ड शेयर किया था, गलत, ये जो अवार्ड शेयर किया गया था ये मैक्रॉन, एम्यूल मैक्रॉन के साथ जो है के साथ शेयर किया गया था ये अवार्ड, ये कौन थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट है, इनके साथ अवार्ड शेयर किया गया था,
ठीक है। और ये अवार्ड मिला था जब, क्योंकि इन दोनों ने ही क्या किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, गुड़गांव में, ठीक है। और इनको लीडरशिप के लिए अवार्ड मिला था, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, ओनली वन, ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट स्टेटमेंट बनेगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए, तहरीक इंसाफ जो है पॉलिटिकल पार्टी थी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इमरान खान, उनकी पार्टी है। इस पार्टी का जो तहरीक इंसाफ का मतलब क्या होता है, ये है जी आपका, इट्स ए मूवमेंट ऑफ जस्टिस, मूवमेंट ऑफ जस्टिस, ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर, मूवमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय का आंदोलन, इसके लिए जो है ये बात करी गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, समुद्रा मैत्री, समुद्रा मैत्री जो है ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समुद्रा मैत्री। ये एक मिशन था कि इंडोनेशिया के अंदर जो है ये प्रॉब्लम आई थी, जब आपकी सुनामी आई थी तो वहाँ के लोगों को निकालने के लिए ये मिशन किया गया था इंडियन सेना द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑप्शन बनेगा इसका वो क्या बना जी आपका, सी ऑप्शन, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन टू असिस्ट तो सुनामी विक्टम्स ऑफ इंडोनेशिया बाय द इंडियन नेवी, इसको बचाया गया था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, किस रीजन को बोला जाता है ग्रेट पैसिफिक गॉर्बेज पैच, किसको बोला जाता है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है, ये क्वेश्चन है जी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, ये जो पैच है ये कहां से कहां तक है, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन जो है आपका जहां पे रिंग ऑफ फायर है, जहां पे सबसे ज़्यादा क्या आते हैं आपके वॉल्केनोज, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लेट्स बहुत सारी हैं आपस में टकरा के आपकी क्या करती हैं, वॉल्केनोज वगैरह लेके आती हैं। ये रीज़न जो है हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में है, डैट मीन्स अगेन ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर, फ्रॉम हवाई टू कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, इनको मैच कीजिए जी, क्या है इसके अंदर, इनसाइट, इनसाइट क्या है, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीज़मिक इन्वेस्टिगेशन जो है ये इनके लिए बात करी गई है। जितनी भी सीज़मिक एक्टिविटीज होती है ना अर्थक्वेक के लिए, वो है इनसाइट। ये बनवाया किसने था, ये जियोडेसी ने बनाया हुआ है, ये जियोडेसी ने बनाया था, ये किसकी फर्म है, यूएसए की, यानी कि ए के साथ क्या जुड़ा जी, यूएसए, ठीक है। दूसरा है सम्राट, सम्राट जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल थी, ठीक है। ये किसके साथ बनाई गई है, ये रशिया के साथ बनाई गई है, रशिया ने बनाई थी ये। सी ऑप्शन देखिए क्या है, इस चंद्रयान, चंद्रयान तो सबको पता है जी, चंद्रयान क्या है आपका, इंडिया का है, हमारे इंडिया का है, ठीक है। और हाइपरसोनिक चंद्रयान आपको चंद्रयान टू जो है ना, ये साउथ पोल को डिस्कवर करने के लिए, मतलब एक्सप्लोरेट करने के लिए गया था। सी जो है इंडिया है। स्टेरी स्काई ये किसके लिए है, ये जो है चाइना ने बनवाया था। तो आंसर लगा लीजिए क्या है, यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना। तो इट मीन्स बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका, राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज जो है ये चाइना में है जी। इस ब्रिज को रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जोड़ा जा रहा है, जोड़ा गया है, और 55 किलोमीटर है, 34 माइल है और 55 किलोमीटर है। ये कहां से कहां तक जुड़ेगा, ये जो है जुड़ेगा जी आपका हांगकांग, मकाऊ, जुहाई, ठीक है। दैट मीन्स आपका इट्स ए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, हांगकांग, मकाऊ, जुहाई इज द राइट आंसर, डी वन, डी इज ऑप्शन। नेक्स्ट, FATF के फुल फॉर्म बतानी है आपको, ये बताइए क्या है जी इसकी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका राइट आंसर है, इट्स ए सी ऑप्शन। क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक हैं, आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको रिवीजन भी हो रही है आपकी और आपको पता भी लग रहे हैं, सी ऑप्शन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। पहली बात तो आंध्र प्रदेश का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्लैक बक, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इट्स एंटीपोल सर्विक कैप्रा, ठीक है, ये आपका नाम है। डेट मीन्स सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बाकी जो ऑप्शन है ना, पैंथरा टिग्रिस जो है वो ए ऑप्शन में, वो टाइगर का है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, इट्स पैवो क्रिस्टेटस, ये क्या है, पैवो क्रिस्टेटस किसका है, पीकॉक का, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और टाइगर हमारा क्या है, राष्ट्रीय एनिमल है, पशु, ठीक है। और डी ऑप्शन है, इट्स बुबालिस, ये क्या है, वाटर बुफेलो का नाम है ये।
इसका नाम है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा जी, सी ऑप्शन, दैट इज एंटी पोल सर्वी कैप्रा। नेक्स्ट लगाइए, इंडिया का जो है फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ध्यान से समझना है, जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है इनॉग्रेट किया गया था कहाँ पे, तो वो है जी आपका बी ऑप्शन हैदराबाद, हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया था, बी ऑप्शन हैदराबाद। नेक्स्ट, सी आई एस आर डेट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो मिनिस्टर, तो आपको पता है जी साइंटिफिक आपके मिनिस्टर ऑफ साइंस आएंगे, हर्षवर्धन जी आएंगे, ठीक है। तो इनके डायरेक्टर जनरल का नाम पूछा गया है, तो क्या है वो, क्या है जी आपका डेट इज शेखर सी मांडे, सी ऑप्शन शेखर सी मांडे इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसके साथ ना मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, जो शेखर सी मांडे है ना, ये सी आई एस आर के तो क्या है आपके डायरेक्टर जनरल है, तो आंसर क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना है, जब ये डायरेक्टर थे ना, तो एक इसके अलावा एक सेंटर के और डायरेक्टर थे पहले, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस, आपको ये इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पुणे के अंदर, ठीक है। पहले इसके भी हेडक्वार्टर, इसके भी वो थे, आई मीन टू से डायरेक्टर थे। और आपको एक और पूछा जा सकता है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, एंड डायग्नोस्टिक इसका भी पूछा जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो सेंटर है वो कहाँ पे था, हैदराबाद। वाइल्ड लाइफ के भी, वाइल्ड लाइफ अभी हमने डिस्कस किया था ना, वाइल्ड लाइफ जेनेटिक के लिए भी कहाँ पे है आपके, हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी हेडक्वार्टर कहाँ पे आपके, सेंटर कहाँ पे, हैदराबाद में। नेक्स्ट लगाइए, डीडी चैनल जो है अभी न्यूज़ में था कि इंडिया का जो डीडी इंडिया चैनल है वो किस कंट्री के अवेलेबल होगा, सो ये जो होगा अवेलेबल, एक तो होगा जी बांग्लादेश, ताकि आपकी जो है हमारी जो मतलब रिलेशन है वो अच्छे बढ़े, बांग्लादेश और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों देशों के साथ जो है आपका रिलेशन है जी, इनमें डीडी चैनल की बात करी गई है। और आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्लियर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के फटाफट। नेक्स्ट लगाइए, ये है जी नम्मा कोल्हापुरी चप्पल, इनको जीआई टैग मिला है, ये कौन सी स्टेट की जो है, ये कौन सी स्टेट की चप्पल थी, ये है जी महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, इनको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर नम्मा कोल्हापुरी चप्पल। नेक्स्ट, योगा एंड डाइट फॉर वेट लॉस, ये किसकी बुक है, ये जो है विजय लक्ष्मी होता, और योगा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थे, हिस्ट्री के अंदर पतंजलि ने योगा बताया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर क्रूज बोट जो है, ये कौन सी स्टेट से जो है आपकी बात करी गई, ये केरला से बात करी गई, इट्स अलपुजा, जगह का नाम है अलपुजा केरला के अंदर, यहां पे जो है पहली बार सोलर पावर जो है क्रूज बोट चली है, ठीक है, इट्स अलपुजा केरला। नेक्स्ट, मार कर देना, इंडियन नेवी का जो है पर्शियन गल्फ के अंदर इंडियन वेसल सिक्योरिटी का कौन सा ऑपरेशन जो है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, तो ये था जी आपका ऑपरेशन संकल्प, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था। अगेन मेरे दिमाग में ऑपरेशन संकल्प को लेके दो जगह पे आता है जी, ये एक है आपका पर्शियन गल्फ और दूसरा है जी आपका गल्फ ऑफ ओमान, दो जगह पे ये बात करी गई थी, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प यहाँ पे हुआ था। अगेन यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है, बीच में एक स्टेट पड़ता है, एक स्टेट है बीच में, इस स्टेट का नाम बताइए, यानी कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो स्टेट है वो कौन सा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसका नाम है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के अंदर बीच में। नेक्स्ट लगाइए, पहली बार
जो है बांग्लादेश इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जो है किस सिटी से जो है लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है जी आपका ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश से जो है ये लॉन्च किया गया था, ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट, माई लाइफ माई मिशन, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये हमारी ऑटोबायोग्राफी है जो हमें, जो योगा गुरु कौन है हमारे इंडिया में, बाबा रामदेव। सो बाबा रामदेव की ये ऑटोबायोग्राफी है, माई मिशन माई लाइफ, माई लाइफ माई मिशन, और योगा गुरु जो है बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है, और इसको को ऑथर्ड किसने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इट्स उदय, पर्सन नेम इज उदय माहुरकर जो है इनका नाम है, इन्होंने को ऑथर, यानी कि इन्होंने साथ में लिखा है, उदय माहुरकर ने, ये बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, याद रखना। नेक्स्ट, 2019 का कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जो लंदन में मिला है, किस इंजीनियर को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, ये मिला है नितेश कुमार जंगीर को ये अवार्ड मिला है, नितेश कुमार जंगीर। नेक्स्ट, किस स्पोर्ट्स प्लेयर को जो है जिन्होंने गोल्ड जीता है 1500 मीटर में फोकसाम ग्रैंड प्रिक्स 2019 जो स्वीडन में हुआ था, ठीक है, ये अवार्ड जीता किसने है जी, ये जीता है पीयू चित्रा जी ने, ये जो है ये अवार्ड जीता है, विमेन कैटेगरी के अंदर है, ध्यान रखना, पीयू चित्रा। नेक्स्ट, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का जो है थीम क्या था, इसका क्या था, जो पहले तो आपको पता होना चाहिए रिफ्यूजी डे जो है वो क्या है जी, 20th जून है, 20 जून जो है रिफ्यूजी डे है, और इसका जो थीम था वो क्या था, हैशटैग क्या था, स्टेप विद रिफ्यूजी, हैशटैग स्टेप विद रिफ्यूजी, ध्यान रखना, हैशटैग स्टेप विद रिफ्यूजी और टेक ए स्टेप, क्योंकि रिफ्यूजीज के लिए बात करी गई थी, रिफ्यूजीज जो है आपको बात पता होगी रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए ऊपर बात हुई थी, तो ये स्टेप विद रिफ्यूजी और टेक ए स्टेप की बात यहां पे थीम रखा गया था, 20 जून को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, अबीर को, सो अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बताता हूँ कुछ आपको चीज, आपने मुझे कमेंट अभी लिख के बताने हैं इसके आंसर, कुछ आपके जो हैं स्पेस सेंटर्स हैं इनके फटाफट आंसर बताइए, जिसको पता है नहीं पता जो पढ़ लेंगे, जिनको पता है वो फटाफट आंसर दे देंगे, ठीक है। सो बताइए कि ये कहाँ पे है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये कहाँ पे है, ये बताइए फटाफट कहाँ पे है। और दूसरा है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर तीसरा बताइए मुझे फटाफट इसरो का हेडक्वार्टर, चौथा मुझे बताएंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका हेडक्वार्टर बताएंगे फटाफट, ठीक है, इसका फटाफट आंसर बताइए जिसको पता है, सब लोगों को पता भी होगा, बहुत बड़ा बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं। सो थुम्बा जो है, थुम्बा इक्वेटोरियल स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पे है, थुम्बा केरला के अंदर, ठीक है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पे है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पे है, अहमदाबाद। इसरो का हेडक्वार्टर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को बना था ये, और के सिवान जो है इनके प्रेसिडेंट है, और इनका हेडक्वार्टर कौन सा है, बेंगलुरु, चेयरमैन कौन है, के सिवान। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है, तिरुवंतपुरम, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाइए जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, ये 2018 के अंदर मीटिंग्स हुई थी, और कुछ मीटिंग्स इनकी 2019 में भी हो चुकी हैं, तो इनको आपने टिक करना है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, 2018 की पूछी गई हैं, लेकिन मैं 2019 में जो हो चुकी हैं वो भी बताऊंगा, और प्लस जो है 2018 की भी पूछी जा सकती है कि ये लास्ट ईयर मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो वो भी पूछा जा सकता है, तो बताते हैं। पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और फिर जो इसमें चेंजेस होंगे वो देखेंगे। ब्रिक्स की 2018 में मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ये है जी आपका ब्रिक्स की
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनकी जो 2018 की मीटिंग है ये कहां पे हुई है, जोहान्सबर्ग के अंदर, जाने की यहां पे जोहान्सबर्ग। और ये क्या है जी, इनका रीजनल हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल हेडक्वार्टर, ठीक है, रीजनल हेडक्वार्टर ब्रिक्स का, ये जो है रीजनल हेडक्वार्टर, सॉरी इट्स नॉट रीजनल हेडक्वार्टर, दैट इज इन द NDB, ठीक है, उसका है, वो छोड़ो। ब्रिक्स क्या है, 2018 में हुई थी, 2019 में, यही 2019 में मीटिंग कहां पे होने वाली है, ब्राजील में होने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है G20 की जो 18 में मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी, ब्यूनो एरिस, यानी कि G20 की 18 में मीटिंग हुई कहां पे थी, ब्यूनो एरिस के अंदर, ठीक है। 19 की कहां पे हुई थी, ओसाका जापान, ओसाका जापान। और 20 की कहां पे होगी, रियाद साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बाकी जो है नाटो की जो है 2018 में मीटिंग कहां पे हुई थी, तो सी ऑप्शन में देखिए जी, ब्रजल्स, नाटो की कहां पे हुई थी, ब्रजल में, 2018 की हुई थी ब्रजल में। और 19 की मीटिंग यहां पे कहां पे होने वाली है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में होने वाली है 2019 की, यहाँ रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद है जी CHOGM, दैट इज द कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, ये जो है 2018 की जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी आपके लंदन में, ठीक है, लंदन में मीटिंग हुई थी CHOGM, 2018 की मीटिंग हुई थी लंदन में। और इसके बाद 2020 की जो मीटिंग होने वाली है, ये अनाउंस नहीं हुआ बट इन्होंने टेंटेटिव बता दिया है, रवांडा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे आंसर इसके बन जाएंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, बाकी 19-20 के में जो भी मीटिंग्स थी मैंने आपको बता दिया है, अगर पेपर में आ जाता है। अरे हाँ यार, ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये सऊदी है, इट्स सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सऊदी है ये, ध्यान रखना, वो गलती से लिखा गया था साउथ अफ्रीका, इट्स सऊदी, बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है सारी चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल सऊदी है, वो लिखा गया गलती से और ये सऊदी है, बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट लगाइए जी, 103 पोजीशन थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2018 के अंदर इंडिया की, और इसी सेम पोजीशन के ऊपर कौन था 2018 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, इसी में जो सेम था वो इंडिया का पोजीशन किसकी थी, नाइजीरिया के साथ सेम थी, नाइजीरिया का नंबर भी 103 था, डेट मीन्स सी ऑप्शन। और फर्स्ट रैंक पे कौन था, बेलारस, और 129 देश से, सॉरी 119 देश से, 119वां देश जो था वो क्या था, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। तो 103 वाला पोजीशन इंडिया का था, और जिसके साथ जो शेयर किया गया था वो किसके साथ शेयर किया गया था, इंडिया ने नाइजीरिया के साथ ये रैंक शेयर किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लगाइए, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका कॉमन होता है, ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमारी रेस्पिरेशन होती है ना, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना, ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जो पानी होता है वहाँ पे होता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, EMP ने डिस्कवर किया था, एम्डन, म्योरे, पार्सन, ये दो तीन लोगों ने जो है इसको डिस्कवर किया था आपका ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है, एम्डन, म्योरे, पार्सन। तो आंसर इसमें जो ध्यान रखना है कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा बन जाता है, पाइरूविक एसिड बनता है, पाइरूविक एसिड, एक्चुअली जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है ना, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है तो वो क्या बना लेता है, दो पाइरूवेट बनाता है, तो पाइरूविक एसिड क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर C1। नेक्स्ट, कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो डेड के ऊपर रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं जी आपके सेप्रोफिटिक, दैट मींस जो डेड के ऊपर रहते हैं, दैट मींस डी ऑप्शन। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है, ये न्यूक्लियस की तरह काम करता है और यूनिक करेक्टर होते हैं और कट करता है,
डीएनए मॉलिक्यूल्स को सीक्वेंस को कट करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, दैट मींस इसका जो आंसर बनेगा वो बना सी ऑप्शन, दैट मींस द कट दे कट द आपका जो भी सीक्वेंस होता है ना उसको स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर काटता है, सी ऑप्शन क्या बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा, स्पेसिफिक पोजीशन लिखना है किसी भी पोजीशन के ऊपर नहीं, स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये नाम है जी मैंगीफेरा इंडिका, और मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है जी, मैंगो का, और सुनेनम ट्यूबरोसम निक्टोना टोबैकम, इसमें जो इंडिका वर्ड है, सुलेनम वर्ड है और टोबैकम वर्ड है, ये क्या हैं? मैंने आपको बताया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, अगर आपको याद हो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है जिसमें आपके दो नाम से जुड़ते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये क्या होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो चीज़ों से बनता है नाम, एक होता है जीनस, एक होता है स्पीशीज, एक होता है जीनस एक होता है स्पीशीज, और ये किसने बताया था आपको, लीनियस ने, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हैं, ये टैक्सोनॉमी के फादर भी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना है, पहला नाम हमेशा जीनस होता है, स्पीशीज पीछे वाला, तो इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना है, स्पीशीज पूछा है, सॉरी पहला क्या है इंडिका, इंडिका पीछे वाला नाम है तो पहला स्पीशीज हो गया, और उसके बाद जो है आपका सुलेनम क्या है जीनस हो गया, टोबैकम क्या हो गया अगेन स्पीशीज हो गया, तो ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मुकुंदपुर इन मध्य प्रदेश जो है रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये क्या है, ये पहली वाइट सफारी, वाइट टाइगर सफारी है जो इंडिया में लॉन्च करी गई है, वर्ल्ड की पहली वाइल्ड टाइगर सफारी है, डी ऑप्शन। और मध्य प्रदेश जो एरिया है वहां पे कान्हा नेशनल पार्क है, बहुत नेशनल पार्क है, पेंच क्लियर, पन्ना नेशनल पार्क, तो ये बहुत सारे जो है आपके सॉरी पेंच एंड कान्हा नेशनल पार्क है याद रखिए, और प्लस वहाँ पे जबलपुर के अंदर नर्मदा रिवर के ऊपर जो है आपके मार्बल मार्बल रॉक्स बनती हैं, और जो आपका एमपी के अंदर आसिरगढ़ फोर्ट है वो क्या है की ऑफ डेक्कन है, और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट रिजर्व देखने को मिले हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर जो है आपको वहाँ पे देखने को मिले हैं, तो आंसर इज डी ऑप्शन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइगर वाइट टाइगर सफारी। नेक्स्ट लगाइए, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन कौन है, लॉ कमीशन के प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, तो ये है जी आपके सी ऑप्शन, दैट इज बलबीर सिंह चौहान, बलबीर सिंह चौहान जो हैं अभी प्रेजेंट में क्या हैं लॉ कमीशन के प्रेजिडेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट विमेन प्रेजिडेंट ऑफ ताइवान कौन है इनमें से, जो न्यूज में देखने को मिलता है, इट्स ए साई इंग वेन, तो आंसर क्या बनेगा जी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन साई इंग वेन। नेक्स्ट, सुरेश प्रभु ने इनॉग्रेट किया था, जो पहले थे मिनिस्टर ऑफ रेलवे में, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 2018 के अंदर जो है आपका पहला ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर लॉन्च किया था, आपको सुरेश प्रभु हटा के पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर कहाँ पे कहाँ तक है, 114 किलोमीटर का ये ग्रीन कॉरिडोर है, ये क्या है रामेश्वरम से लेके रामेश्वर मन्ना मदुराई तक जो है ये आंसर बनेगा, सो डी ऑप्शन क्या बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा, रामेश्वर मन्ना मदुराई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, बताने हैं मुझे, पहला फटाफट बता दीजिए, पहला मेल जिसने नोबेल प्राइज जीता था, पहला पर्सन जिसने नोबेल प्राइज जीता था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, पहला मेल जिसने नोबेल प्राइज जीता था, नोबेल प्राइज वो कौन थे, वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, फटाफट आंसर बता दीजिए जिसको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर, और किसके लिए 1913 में मिला था, गीतांजलि बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और दूसरा बताइए जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, और यही पर्सन जो थे ना जो डाई इन ऑफिस, यानी कि अपने कार्यकाल में ही इनकी डेथ हो गई थी, वो कौन थे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो है इनका नाम है, ठीक है। और ये बताइए जी, पहले इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो थी ये कहाँ पे खोली गई थी, कैलकटा में 1780, और यहाँ पे बुक कौन सी लिखी, किसके द्वारा, जेम्स अगस्तस हिकी द्वारा, और पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या था, बंगाल गैजेट जो है नाम था, याद रखिए। और नेक्स्ट बताना है, मार्क कर देना, नेक्स्ट बताना है कि पहली महिला जो है आपकी वो मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, पहली महिला इंडिया की, फर्स्ट इंडियन जो है मिस वर्ल्ड बनी थी, ये बनी थी रीटा फारिया 1966 में, और ये पहली एशियन भी थी, फर्स्ट एशियन जो
मिस वर्ल्ड बनी थी और डॉक्टर्स भी थी, ये पहली डॉक्टर डॉक्टर थी ये जो बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। और पहला अगर पूछा जाए फर्स्ट फीमेल अम्बेसडर कौन थे, पहली महिला फर्स्ट फीमेल अम्बेसडर कौन थी, तो उसका क्या नाम है जी आपका सी बी मुथम्मा। और ये पहली आईएफएस ऑफिसर थी, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर थी और जिन्होंने पहली बार एम्बेसी के अंदर, पेरिस के एम्बेसी के अंदर काम किया था, ठीक है। और पहली गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया बताइए, पहली गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, पहली फीमेल बताना है, पहली फीमेल जो है गवर्नर कौन बनी थी फ्री इंडिया की, तो वो बनी थी जी सरोजनी नायडू, जिसे आप नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो पहली बार 1925 ईस्वी में कानपुर सेशन के अंदर आईएनसी की प्रेसिडेंट भी थी। और उसके बाद है जी ये यूपी स्टेट से थी, ठीक है। पहली सीएम महिला कौन थी हमारे इंडिया की, आज़ाद भारत की, फ्री इंडिया की, ठीक है, वो कौन थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। अगेन ये कहाँ की थी, यूपी स्टेट की थी, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। तो ये थे आज के लेक्चर में क्वेश्चन, तो अच्छे से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है क्लास। अगेन अच्छा एक चीज़ और है कि एक जो है सैटरडे में क्वेश्चन सीरीज लाने वाला हूँ, जितने बच्चों के भी डाउट्स होते हैं जो मुझे भेजते रहते हैं, कई बार मैं नहीं जवाब दे पाता क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो वो डाउट्स को लेकर मैं ना एक क्लास लेकर आने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाउट भेज दो अब कि हाँ सर क्लास लेके आ रहे हैं तो भेजी जाओ, बस पढ़ना हमने खुद नहीं है, बस हम डाउट पर डाउट भेजते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको मेरी ईमेल आईडी के ऊपर अपना डाउट सेंड करना है और दिखा दीजिए, तो स्क्रीन के ऊपर लगा दो, तो ओके मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देता हूं यहां पे, और बाकी जो है टेलीग्राम और फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चे डाउट भेजते हैं तो नहीं दे पाता मैं उनका जवाब सबका, जो जब फ्री बैठा होता तो जवाब दे देता हूं। डॉक्टर विपिन गोयल आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम के ऊपर भी यही लिंक है, और बाकी जो है अपना डाउट मुझे सेंड कर सकते हैं अपनी मेरी मेल आईडी के ऊपर vipan.studyiq@gmail.com, ठीक है, यहाँ पे अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। बाकी जो है ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएंगे, लिंक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ये लिंक मिल जाएंगे, तो अच्छे से जो है आपके जो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और आपको स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें दिख भी रही होंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड लक। अभी सोच रहा हूँ जब ये लॉन्च होगा आपको पहले आपको ही पता लगेगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।